मैं आरके श्रीवास्तव, सहायक निदेशक मत्स्य गाजियाबाद। मत्स्य पालन की योजना जो है जनपद में मत्स्य विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें ग्राम समाज के तालाब और निजी भूमि में भी अगर यदि कोई तालाब बना करके मछली पालन करना चाहता है या मछली को विक्रय करने का काम, मछली बेचने का काम करना चाहता है, तो उनकी योजनाएं विभाग में संचालित की जा रही हैं। निजी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पिछले 4 सालों से लागू है। ग्राम समाज में जो हमारे तालाब आवंटित होते हैं तहसील के माध्यम से, उन लोगों के लिए अभी तक वर्तमान में हमारी कोई अनुदान की योजना लागू आज तक नहीं थी। पिछले 5-7 सालों से वर्तमान सरकार ने जो है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो है आगाज पिछले वर्ष अपने बजट में किया था। जो योजना हमारी अभी 7 फरवरी से ऑनलाइन पोर्टल पर एप्लीकेशन के माध्यम से प्रारंभ की जा रही है, ये मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमारे 2 तरह के लाभार्थियों का सिलेक्शन हम लोग करेंगे। एक तो 1 हेक्टेयर में आप मछली के बच्चे छोटे स्टॉक करके और उसको बड़ा सीड अंगुलिका साइज का बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सीड बैंक, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मछली का बीज जो है अच्छी क्वालिटी का होना, जिसकी कमी प्रायः देखी जाती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य सीड बैंक बनाने के लिए और आपके जो बने बनाए तालाब हैं जो कि आपको मछली पालन के लिए 10 साल के लिए तहसील से आवंटित हैं, उनमें निवेश की व्यवस्था के लिए, क्योंकि अगर निवेश की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो आप उत्पादन अच्छा नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो है। तो तालाब में 1 हेक्टेयर के लिए जो है सीड बैंक या 1 हेक्टेयर में जो है आपको निवेश व्यवस्था करके और मछली पालन करने के लिए, ये दोनों योजनाएँ अभी प्रारंभ की गई हैं। इसका आगाज 7 तारीख से होने जा रहा है ऑनलाइन पोर्टल पर। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि 1 हेक्टेयर के अगर तालाब आपके पास है और जो आपको तालाब का आवंटन 10 साल के लिए है उसमें से 4 साल की अवधि अगर अवशेष है, तो उस 4 साल की अवधि के लिए आपके आवेदन पत्र हम लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करेंगे और सभी वर्ग के लिए, यानी जो है मछुआ समुदाय हो, जनरल हो, महिला हो, SC कैटेगरी हो, सभी के लिए 40% अनुदान जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने लाभार्थियों को देगी। ये जो भी अनुदान हम देंगे वो सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन पोर्टल से ही हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ चेक या किसी अन्य व्यवस्था के माध्यम से हम लोग नहीं देंगे जो है। इसका 7 तारीख से 15 तारीख तक जो वर्तमान में सूचना है उसमें ही हमारा पोर्टल खुला रहेगा। पोर्टल जो है हमारी fisheries.gov.up.in हमारा ये पालन के लिए आवंटित करा चुके हैं पिछले 10 सालों में। जिनके 4 साल से कम समय रह गया है उन्हें क्या इस सुविधा का लाभ नहीं मिला? नहीं, इस सुविधा इस योजना में 4 साल के जो पट्टा धारक हैं जिनके अवशेष अवधि बची है उन्हीं को दिया जाएगा इसके। उसका कारण ये है कि हम जब अनुदान देते हैं तो ये मान के चलते हैं कि लाभार्थी उससे कुछ रोजगार पैदा करें। एक क्रॉप हमारी जो है तैयार होने में कम से कम 1 साल से लेकर के 1.5 साल का समय लग जाता है, तो यदि हम 3 साल या 4 साल से वाले लाभार्थियों को लेंगे तो सरकार की जो अनुदान देने की मंशा है वो पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाएगी। सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक समय तक आप अनुदान लेकर के और रोज़गार को जो है अपना जो है मतलब बरकरार रखें। ऐसा ना हो कि पता चला हमने 2 साल वाले को अनुदान दे दिया और 2 साल बाद उसका अवधि समाप्त हो गई, सरकार के अनुदान की भी जो है व्यवस्था खराब होगी और लाभार्थी ने भी जो पैसा अपना इन्वेस्ट किया वो भी उसका जो है खराब हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने कहा कि 4 साल से नीचे वालों को इसकी सुविधा नहीं दी जाएगी, 4 साल से लेकर के 10 साल तक के जो है जिन लोगों की अवधि शेष है उन लोगों को हम लोग इस योजना में शामिल करके उनको अनुदानित करेंगे। नहीं, प्रधान जो प्राइवेट तालाब यानी अपनी निजी जमीन में तालाब बनाना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास पहले से ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑलरेडी चल रही है। उसमें भी हम लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन लेते हैं और उस पर हम लोग आवेदन लेकर के उनकी स्वीकृति प्रदान करके उस पर भी अनुदान देते हैं। इस समय जो 22-23 का सिलेक्शन की प्रक्रिया थी वो हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन 22-23 में हमें जो निजी भूमि में तालाब निर्माण कराने के लिए जो हमारी योजना स्वीकृत हुई है उसमें केवल हमारे 3 तालाबों का ही सिलेक्शन हो पाया है, उन्हीं के लिए बजट हम लोगों को एलोकेट हो रहा है। बाकी हमारे कुछ लाभार्थी और सिलेक्टेड हैं लेकिन अभी बजट चूंकि नहीं है इसलिए वो लोग वेटिंग में चल रहे हैं। जब प्रदेश सरकार के पास बजट भारत सरकार से प्राप्त हो जाएगा तो उस पर विचार करने के बाद से और भी लाभार्थियों को हम लोग इस योजना में शामिल करने की कोशिश करेंगे। निजी के लिए कितना टारगेट बना बताया मैंने, 3 का टारगेट फिलहाल है, 3 तालाब हमें बनाने हैं, अभी जो है 3 तालाबों को हम बनाने की तैयारी में हैं। हमने लाभार्थियों को जो है स्वीकृति पत्र वगैरह जारी कर दिया है, वो लोग काम भी शुरू कर चुके हैं। शेष पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार में जब बजट के संबंध में निर्णय हो जाएगा तो फिर उस पर जो है कार्यवाही की जाएगी। कितना अनुदान? 7 लाख रुपये की जो है परियोजना लागत है उसकी
और उस पर जो है SC और महिला के लिए जो है 60% अनुदान है और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 40% अनुदान है। ये तो हो गया तालाब निर्माण के लिए। और निवेश के लिए 4 लाख रुपये का जो है व्यवस्था है पर हेक्टेयर, उसमें भी वही व्यवस्था है, 60% जो है महिला और SC के लिए और 40% जो है सामान्य वर्ग के लोगों को अनुदान दिया जाता है। ये मत योजना। तो क्या समाज के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि मत्स्य का पालन को बढ़ावा देने के लिए क्या? देखिए, कृषि एक ऐसा हमारा क्षेत्र रहा है जिसमें हम लोग जितना भी उपयोग करना चाहें या जितना भी उत्पादन लेना चाहें वो हम लोग ले चुके हैं, कम प्राप्त कर सकते हैं सभी खर्चे काटने के बाद से। 3 लाख से 4 लाख रुपए की अगर इनकम होती है तो लगभग समझ लीजिए कि आपको 25,000 रुपया या 30,000 रुपया महीना जो है आपको अपने गांव में या अपने नेटिव प्लेस पर रह करके प्राप्त हो जाते हैं, तो ये कम नहीं है। कुछ बेरोजगार लोग जो हैं आज के समय में कोरोना के कारण प्रभावित हुए, उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है। और जो नए यूथ हमारे पैदा हो रहे हैं, मतलब जो हैं और जो है जिनको रोज़गार थोड़ा अभी लेने के लिए दूर जाना पड़ रहा है, वो लोग भी इस योजना का लाभ उठाएं। इसमें संभावनाएँ अपार हैं। जो है ये है कि आप की अगर जो है मनसा सही है, आप अनुदान का लाभ लें और अपने रोजगार को मछली पालन में जो है व्यवस्थित करेंगे। हाँ, अभी बजट में, कल के बजट में भी 6,000 करोड़ रुपए का जो है भारत सरकार ने जो है प्रावधान किया है, उसमें प्रदेश सरकार को भी अच्छा खासा अंश जो है मिलने की संभावना है। जो कि हमारी जो पुरानी योजना चल रही है माननीय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से, उसमें कुछ ऐड ऑन हो जाएगा ये बजट, तो हम लोग के जो है जो लाभार्थी अभी कम है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। धन्यवाद।